हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे एंड सुरक्षित होंगे। मैं श्रुति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो में जाने से पहले, अगर आप सब अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप सबको पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दें। वैसे ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा अलग है। हमेशा मैं पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेके आती हूँ, इस बार इंडियन पब्लिक रिएक्शन लेके आई हूँ। सो ये वीडियो का टाइटल है इंडियन गर्ल्स डेंजरस आंसर ऑन डेटिंग पाकिस्तानी बॉयज। ओहो क्या बात है, पाकिस्तानी बॉयज को डेट करने के लिए बहुत ही डेंजरस आंसर्स मिले हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और पता करते हैं कि इंडियन गर्ल्स का क्या राय है इसके ऊपर। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। हमें एक पर्सन को वैसे जज करना चाहिए कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, पाकिस्तानी को अच्छा कमाता है, बढ़िया दिखता है, तो ठीक है, इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए। जब हमें हमारे पड़ोस में अच्छा मटेरियल मिल रहा है, हम क्यों आउट में जाएंगे? कैन यू डेट अ पाकिस्तानी गाय इफ ही इज एस्टैब्लिश्ड और अच्छा है, मतलब लुक वाइज भी? या व्हाई नॉट, बिकॉज वी शुडंट जज अ पर्सन बाय हिज मींस फ्रॉम व्हिच कंट्री ही बिलोंग्स टू या फिर उसका रिलीजन क्या है। हमें एक पर्सन को वैसे जज करना चाहिए कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब वो इंसान अच्छा ही है नहीं, दिल से कैसा है, क्योंकि ये सब मैटर करता है, बाकी रिलीजन और कंट्री ये सब मैटर ही नहीं करता। शादी वादी कर सकते हो या डेट कर सकते हो? पाकिस्तानी को नहीं। क्यों नहीं? रीज़न क्या है? बस ऐसे ही नहीं कर सकती। What do you think? मैं भी नहीं करूँगी करने को तो। क्यों? क्यों? ये तो बहुत बड़ी कहानी है, अब क्यों, बस पता नहीं क्यों। कुछ सुनने तो होगा ना, कुछ सुन नहीं है वहाँ के लोग यार। नहीं, लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, बस नहीं करनी है मुझे। अच्छा नहीं, मैं नहीं सोच सकती। क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो डिपेंड करता है इसलिए। अच्छा कमाता है, बढ़िया दिखता है, फिर भी पहले तो मेरे लिए फैमिली है ना, तो अगर फैमिली अलाउ नहीं करेगी तो मैं कभी ये सब करना नहीं चाहूँगी। अच्छा कमाता है, बढ़िया दिखता है, तो ठीक है, इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, इंसान भी बढ़िया है तो कर लूँगी। अच्छा है। कर लोगे मतलब? हाँ हाँ, बढ़िया दिखता है। हाँ तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तानी में, क्या होना चाहिए जिससे आप शादी करोगे? अगर कोई भी एनी कंट्री, आपका लाइफ पार्टनर कैसे होना चाहिए? हाँ अब मैं उसको अपने रिलीजियन के उस पर तो नहीं देखूँगी, बस ये हो थोड़ा सेंसिबल हो और स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो थोड़ा सा, लुक्स वाइज भी चलो ऐसे कोई वो नहीं है, बट हाँ बस इतना ही। इंडिया में प्रेफर तो करेंगे, बट इंडिया में कमी नहीं है, इंडिया के भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और स्मार्ट भी है, प्रोफेशनल भी है और अच्छे स्टैंडर्ड्स भी हैं। सो आई गेस तो इंडिया को छोड़ के क्यों जाना चाहेंगे हम, जब हमें हमारे पड़ोस में अच्छा मटीरियल मिल रहा है, हम क्यों आउट में जाएंगे? अगर वाइब्स मिलती है या फिर सब कुछ है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, और आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपको कोई अच्छा प्रोफेशनल गाय मिलता है जो कि पाकिस्तान से है बट वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो क्या वुड यू प्रेफर? नो आइडिया। अगर आपको मौका मिले तो क्या वुड यू लाइक टू डेट अ पाकिस्तानी? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज कभी उधर से हमारे लिए हाथ नहीं बढ़ा है, एवरी टाइम हमारी तरफ से हाथ बढ़ाया गया है। स्टिल अगर किसी को अगर इतनी भी कर्टेसी नहीं है कि अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है और आप उसको है ना हाथ मिलाने की बजाय आप उसके हाथ को तोड़ दे, तो है ना ऐसा नहीं चलता ना, एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। तो रिसेंटली जो 14 फेब को हुआ था, और 14 फेब को पुलवामा अटैक, वो बहुत जो 26 हमारे मारे गए, कोई जोक नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो हमारे इंडिया में वॉइस कम है क्या, हम वहीं पे ढूंढ लेंगे। ताज होटल का अटैक, ठीक है, बहुत सारे हैं, उरी अटैक, ऐसे और भी बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि वक्त वक्त पे होते रहे हैं। ठीक है, वो तो होते रहे, वो
तो एक बात है कैसी जो निगलेक्ट नहीं की जा सकती है. लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ दिस अगर वहाँ के लड़कों की बात करें, वहाँ के बॉयज की बात, नो नॉट एट ऑल. जब तक आप किसी को, मैं तो यहाँ, मैं यहाँ के किसी अनजान को नहीं पकड़ सकती. पाकिस्तान तो बहुत दूर हो गया और ऐसी कंट्री जो कि हमारे लिए कभी अच्छा सोचती नहीं, तो इट्स अ ऑब्वियस थिंग. हिस्सा था इंडिया का जो अलग हो गया था और एक कंट्री बन गया था, पाकिस्तान बना था ना. और वुड यू लाइक टू डेट या फिर वुड यू लाइक टू मैरी अ पाकिस्तानी गाय? रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. नहीं, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन. बाहर रहने वाला मतलब किसी भी रिलीजन का नहीं है? इस बात से वो फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, मतलब क्या है, मतलब जो आप इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते ऐसी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी, मतलब किसी के किस कंट्री से बिलोंग करता है या फिर कहाँ से बिलोंग करता है, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसको? बात करने की तमीज होनी चाहिए, बस. बस इतना काफी. एक्सपेक्टेशन है आपको? अटेंशन देनी चाहिए बस. Okay. और क्या चाहिए? ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किसी भी कंट्री से, बट अगर ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग. हाँ, चलेगा. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई ऑलवेज सपोर्ट माई इंडिया. तो आई डोंट थिंक सो दैट पाकिस्तानी गाय, वेल वेदर इट इज ही वॉज स्टेबलाइज, मतलब जो भी है, बट आई डोंट लाइक पाकिस्तानी पीपल. बट क्वालिटीज यू सीक इन अ गाय, लाइक अगर वो इंटेलिजेंट हो, वेल एस्टैब्लिश्ड हो, बट पाकिस्तान से हो, चलेगा क्या? मैं आई गेस फैमिली ओपिनियन मैटर करता है. उनके साथ डिस्कस जरूर करूंगी कि ऐसा ऐसा है. नो, फिर भी मुझे लगता है कि फिर भी नहीं. नो, आई डोंट थिंक सो. व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? बिकॉज आई वुड प्रेफर अ इंडियन गाय, एंड ऑल्सो रिलीजन ऑल्सो अ मैटर ऑफ थिंग. For me and my his family. His religion is Hindu. He's following Hinduism, but he stays in Pakistan. No. Because I love to live in India, and I would prefer to be an Indian guy. बस मन के ऊपर है ना. पाकिस्तानी लड़के को डेट करोगे अगर वेल एस्टैब्लिश्ड है, इंटेलिजेंट? नहीं, कभी भी नहीं. क्यों? लेकिन बस मन है. क्या सोचा है? अभी वो अपना पड़ोसी कंट्री नहीं है ना, अभी वो अपना दुश्मन कंट्री बन गया, इसलिए. सेम ईयर, सेम ईयर. क्या लगता है आपको? सेम बात, हमें नहीं करना है डेट. लेकिन अगर वो बहुत एस्टैब्लिश हो, बहुत नहीं चाहिए उतना एस्टैब्लिश. वी कैन फाइंड एनीबॉडी एल्स इन इंडिया आल्सो. इंडिया में बहुत है. इंडिया में एक से एक लड़के. हाँ, हमें दुश्मन नहीं चाहिए. क्या पाकिस्तान के लड़के को डेट करना चाहोगे अगर वो अच्छा कमाता होगा, दिखने में अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा? नहीं. क्यों? लेकिन ऐसे ही मैं तो पाकिस्तान जा ही नहीं पाऊंगी, तो करूंगी कैसे? डर लगता जाने से. आपको क्या लगता है? मैं अपने इंडिया से प्यार करती हूँ, तो मैं अपने इंडिया के लड़के को ही डेट करना चाहूँगी, पाकिस्तान के लड़के को नहीं. अगर बढ़िया हो, गुड लुकिंग, कुछ भी हो, तो तब भी नहीं? नहीं, कभी नहीं. मतलब क्या ऐसी कमी है जो मतलब उस तरफ जाना ही नहीं है? अरे मतलब कि अब मैं अपने भारत में रहती हूँ, अपने इंडिया में रहती हूँ, तो मुझे यहीं के लोग पसंद है. मुझे मतलब वहाँ पे जो उनका जो मतलब एक तरीके से कल्चर है या जो भी है, इंडिया को लेके उनकी जो मेंटेलिटी है, वो मुझे नहीं पसंद. सो गाइज, ये थी हमारी इंडियन पब्लिक रिएक्शन वीडियो. सो बहुत ही अमेजिंग थी ये वीडियो. लेकिन सही बात है, अगर मुझे भी अगर कोई मौका देता है कि ऐसे डेट करने को, वो भी एक पाकिस्तानी गाय को, तो नेवर, नो, नेवर. कभी नहीं, मतलब सपने में भी मैं नहीं सोच सकती हूँ ऐसा. तो चाहे वो कितना ही रिच क्यों ना हो, या वेल एस्टैब्लिश्ड क्यों ना हो, वेल अच्छा दिखता ही क्यों ना हो, लेकिन नहीं, मैं एक मिडिल क्लास के साथ खुश रहूंगी, लेकिन पाकिस्तानी के साथ कभी नहीं. क्योंकि सही बात है तो आखिर हमारा दुश्मन मुल्क है, तो आखिर हमारे दुश्मन ही सही. एंड दुश्मन के साथ कभी मोहब्बत नहीं करते, कभी नहीं. दुश्मन के साथ दुश्मनी ही ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है. हाँ, वैसे वहाँ भी बहुत सारे हिंदू है हमारे, लेकिन वही चीज़ है कि पाकिस्तान में हिंदू रहना ना के बराबर ही है, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं एक इस्लामिक धर्म को वो फॉलो कर ही लेते हैं वहाँ पे रह रहे हैं तो. लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. हमारे इंडिया में जो भी मुस्लिम भाई बहन है हमारे, वो अपना रिलीजन को फॉलो करते हैं, एंड हम हिंदू अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं. लेकिन यही चीज़ पाकिस्तान में मुझे कहीं नहीं नज़र आता है, कहीं भी नहीं. मतलब मैं इतने सारे और भी वीडियोज़ देखी हूँ, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियोज़ हो गए या न्यूज़ वगैरह हो गया, तो हर जगह मतलब अगर कोई हिंदू लड़के से अगर कोई इंटरव्यू लेता है या बात करता है, तो
कहीं ना कहीं उनके एसेंट में या बात करने के तरीके में कहीं ना कहीं वो चीज़ एक झलक आ जाता है कि वो लोग मुस्लिम रिलीजन इस्लामिक को वो लोग कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। रिलीजन का बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि नहीं यार, अपने इंडिया में लड़कों की कमी नहीं है कि हम पाकिस्तान मुल्क जाएंगे। वैसे आप सबका क्या राय है इसके ऊपर जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक दे दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। वैसे मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है तो आप सबको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वॉइस चेंज हो रहा होगा मेरा, बट कोई नहीं, जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मेडिसिन खा रही हूँ, होपफुली जल्द ही ठीक हो जाऊँ। सो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।